फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूँ अभी की बायोलॉजी में, जहाँ हम पढ़ेंगे बायोलॉजी विद फन। जहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में वैक्सीन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम वैक्सीन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, टोटल हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री, जहाँ हम एडवर्ड जेनर के बारे में पढ़ेंगे, लुईस पाश्चर सर के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स के बारे में। तो एडवर्ड जेनर सर सर की वैक्सीन में डुबकी लगाते हुए शुरू करते हैं आज हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन। ओके, वी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वैक्सीन हिस्ट्री। एवरी हिस्ट्री हैज़ अ स्टोरी, सो इट्स अ स्टोरी। इन लास्ट प्रीवियस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द वैक्सीनेशन, व्हाट इज वैक्सीन, हाउ द वैक्सीनेशन इट्स इन्वॉल्व एंड व्हाट इज देयर बेनिफिट्स। सो अब हम हिस्ट्री शुरू करेंगे। लास्ट टाइम ने थोड़ा सा एडवर्ड जेनर के बारे में बताया था कि हु इज़ द एडवर्ड जेनर। एक अमेरिकन फिजिशियन थे जिन्होंने वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट किया। सो मैं स्टार्ट करती हूँ एडवर्ड जेनर के बारे में। इन 1798 समथिंग स्मॉल पॉक्स नाम की एक डिसीज हुआ करती थी और उस पर्टिकुलर एरिया में थी, जिससे लगभग 10% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो इन्फेक्टेड थी, कुछ में तो डेथ्स भी हो गई थी। सो उन्होंने अमेरिकन फिजिशियन से, ऑब्वियसली बात है, तो एडवर्ड जेनर एक विजिट कर रहे थे जब उन्होंने एक ऐसे बच्चे को पाया जिसके हैंड्स ब्लैक थे एंड सम ब्लिस्टर्स आर फॉर्म। ब्लिस्टर्स मीन्स लाइक दैट की पस फॉर्मेशन होकर एक एक्निक टाइप होता था, बट वो पूरा हेल्थी था। तो उन्होंने एक बेबी को देखा कि उनके हाथ में थोड़े से ब्लिस्टर्स थे, हैंड ब्लैक्स थे, बट वो कम्प्लीटली हेल्थी था। जब उन्होंने पता किया तो ये पता चला कि जो काउ मेड्स थे या जो काउ बॉयज थे, उन लोगों को काउ पॉक्स हुआ और उसी के कारण उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो जब उन्होंने उनके माइंड में आया कि ऐसा कुछ इनके पास कंटेंट है जिसके कारण ये स्मॉल पॉक्स से बचे हुए, तब उन्होंने उनके हैंड्स से जो ब्लिस्टर्स थे उससे पस आइसोलेट किया और उस पस को 8 ईयर ओल्ड हेल्दी बेबी में, जिसका नाम था जेन्स पिप्स, उसकी बॉडी में इंसर्ट कराया और उसकी फर्दर स्टडी की। उसी बच्चे पर उन्होंने फर्दर स्टडी की। नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम द जेनर्स वर्क फ्लो चार्ट, कि जेनर ने कैसे वर्क किया। सबसे पहले उन्होंने काउ पॉक्स, जिन लोगों को काउ पॉक्स से वो ठीक हो चुके थे या उनकी बॉडी में काउ पॉक्स था, उन्हें लिया। देन उन्होंने उससे पस आइसोलेट किया। उस पस में प्रोटीन था जो कि प्लाज्मा और एंटीबॉडी बना रहा है, जिसके अभी प्लाज्मा थेरेपी का आप बहुत सुन रहे होंगे। दैट इज़ कि प्रोटीन था, उसे उन्हें नहीं पता था कि दैट इज़ एनी एंटीबॉडी। उन्होंने उसे प्रोटीन नाम दिया कि कोई प्रोटीन कंटेंट है। उसको प्रोटीन कंटेंट को बॉडी से आइसोलेट किया, फिर उसी 8 ईयर ओल्ड हेल्दी बेबी में, हेल्दी, वो इन्फेक्टेड नहीं था उस टाइम स्मॉल पॉक्स से, उन्होंने उस 8 ईयर हेल्दी बेबी में उसे इंसर्ट कराया और उसी बेबी में फिर स्मॉल पॉक्स के एंटीजन को सेम बॉय में इंसर्ट कराया और ऑब्जर्वेशन किया 2-3 वीक्स का रिजल्ट में। तो उन्होंने पाया कि वो बच्चा कम्प्लीटली हेल्दी है, ना उसमें स्मॉल पॉक्स है ना ही उसमें काउ पॉक्स है। दैट टाइम ही फाउंड दैट कि हाँ, कुछ कंटेंट ऐसा है जो दूसरी डिसीज से बचा रहा है। सो उन्होंने अगेन वही किया, काउ पॉक्स का पूरा पस जो है आइसोलेट किया और हेल्थी लोगों में, यानी अदर ह्यूमंस में ट्राई किया, जिससे ये हुआ कि ह्यूमन इम्यूनाइज हो गए। इम्यूनाइज होना मतलब उन्होंने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया। तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उन्होंने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन शुरू कर दिया। सो जो काउ पॉक्स के पस था या जो काउ पॉक्स का आइसोलेटेड प्रोटीन था, वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा था। दैट टाइम ही डजंट मीन कि वो कोई एंटीबॉडी बना रहे हैं, उन्हें बस इतना पता था कि इस प्रोटीन से हम इंजेक्ट करने पर, इस प्रोटीन को इंजेक्ट करने पर उनमें उसके अगेंस्ट कोई इम्यूनाइजेशन पावर आ रही है। अब जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि वैक्सा दैट मीन्स काउ, तो इस पूरी टर्मिनोलॉजी को वैक्सीनेशन कहा गया। नाउ वी आर कम टू सेकेंड जनरेशन ऑफ वैक्सीन। नाउ 1880 लुईस पाश्चर, एवरीवन नो अबाउट हिम। लुईस पाश्चर के बारे में तो एवरीथिंग सब तो हर कोई जानता होगा, उनका प्राश्चराइजेशन जो है उनकी टर्म। उन्होंने कुछ वैक्सीन बनाए लाइक चिकन पॉक्स वैक्सीन, कोलेरा और एंथ्रेक्स के कुछ वैक्सीन बनाए उन्होंने, जो नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम ऑफ जनरेशन या सेकंड जनरेशन ऑफ वैक्सीनेशन भी कहलाता है। नाउ द जोसेफ मिस्टर साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेबीज का वैक्सीन बनाया। अब आपके दिमाग में ये कि रेबीज इज़ नॉट वैक्सीन, एक्चुअली रेबीज इज़ अ वैक्सीन, क्योंकि ये इन्फेक्शन के बाद ज़रूर दिया जाता है कि डॉग बाइट हो जाए या कैट बाइट या किसी एनिमल बाइटिंग के बाद दिया जाता है, बट इट इज़ अ वैक्सीन। ये एक आरएनए वायरस है रेबीज वैक्सीन, और ये इन्फेक्शन के आफ्टर इन्फेक्शन ही दिया जाता है। उसके कुछ रीजंस है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज जॉनस सॉल्क, उन्होंने पोलियो वैक्सीन बनाया था 1955 में, और ये ओरल वैक्सीन है, ये एक ओरल वैक्सीन है। तो दैट इज फुल हिस्ट्री ऑफ अबाउट द वैक्सीन्स।
ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन. अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस एंड टाइप्स ऑफ वैक्सीन. तो कुछ भी क्वारी हो, कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, बिल्कुल टाइप करें और सुझाव बिल्कुल दें, जिससे हम हमारे इम्प्रूव कर सकें वीडियो को, लेक्चर्स को. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. धन्यवाद. जय हिंद.